नमस्कार दोस्तों, आपका मैं स्वप्निल उड़के लई बारी चैनल पे आपका लई बारी स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज करेंगे हम तानाजी मूवी का रिव्यू। तो दोस्तों मैंने देखी है तानाजी मूवी, और तानाजी मूवी देख के मेरे अंदर जो जोश आ गया है ना वो अभी तक बरकरार है, क्योंकि इस फिल्म में जो दिखाया है ना जो स्टोरी है इसकी, ये एकदम ऐसी स्टोरी है कि आपके अंदर जोश, आपके रोंगटे और आपके आंखों में आंसू आने वाली फिल्म है। तो ये फिल्म देखिए, मैंने कल फिल्म देखी तो मेरे को लगा कि यार आपको लोगों को बता दो कि ये फिल्म जरूर जाके देखिए। तुम जो अभी मैं बता दूं ये फिल्म की कथा क्या है, ये फिल्म की कथा है महाराष्ट्र के हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों की मतलब उनमें से सबसे ज्यादा जो इनकी उनके उनके बिना इतिहास अधूरा है वो है तानाजी मालोसरे। और तानाजी मालोसरे जब सिंहगढ़ कोंडाना मतलब अभी का सिंहगढ़ जो जीतने के उन्होंने कितना सैक्रिफाइस, जिन्होंने अपना प्राण का त्याग दिया, उसके आधार पर इस फिल्म है। और इस फिल्म में चार चांद लगा दिए है अजय देवगन, काजोल, शरद कड़कर और ओम राउत ने इस फिल्म का डायरेक्शन इतनी बेहतरीन तरह से किया है कि आपको एक ही एक गलती दिखाने की जरूरत नहीं, आपको मौका ही नहीं मिला है, क्योंकि ये पौने दो घंटे की मूवी आपको कभी आपको ऐसा लगेगा कि खत्म ही ना हो। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर है ओम राउत, उन्होंने उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म है, लेकिन लगता भी नहीं कि यार ये बंदा पहली बार डेब्यू कर रहा है, लेकिन उनकी पहली फिल्म मराठी फिल्म भी थी जो उसका नाम था लोकमेट, वो भी सुपर डुपर हिट थी। और ये फिल्म भी सुपर डुपर नहीं, ये ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है। इस मूवी के मैं जो प्लस पॉइंट बताऊं, उसका प्लस पॉइंट है VFX। और VFX जो है आपने बाहुबली रोबोट्स इस फिल्म में देखा है, लेकिन ये फिल्म का अब VFX देखने को ऐसा लगेगा आप कोई हॉलीवुड फिल्म देख रहे हो। और ये फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो अप्रतिम है, और इस फिल्म के सभी गाने ऐसे है कि कुछ खींचा नहीं है, कुछ डाला नहीं है, सिर्फ जो लगता है कि यार ये पूरा कल्चरलिकल सॉन्ग है, मतलब कि उस फिल्म के लिए गाना सुटेबल ही है। और इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक तो क्या बात है यार, रा 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 रा, ये फिल्म आपको ऐसा लगता है कि यार बजता रहे और आपके अंदर कुछ तो डालता रहे। और ये फिल्म की जो कलाकार है उन्होंने इतना बखूबी काम किया है फिल्म में, अजय देवगन का तो काम मत बताता हूं आपको कि अजय देवगन अपने आंखों से काम कर रहे हैं, उनको वो होके भी उनको ज्यादा एडवांटेज नहीं, उन्होंने सबको बराबर काम दिया है, सबको, ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा स्टार है इसलिए उनको ज्यादा स्क्रीन पे नहीं, हर एक सपोर्टिंग एक्टर का भी उतना ही स्क्रीन पे दिखेंगे जितने अजय देवगन दिखे। काजोल मैम थोड़ी जगह दिखी है, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है आपको लास्ट तक बैठने के लिए, उनकी ताली बजाने के लिए आपको मजबूर कर देगा। इस सीन में जो सैफ अली खान सर का जो काम है वो आपको उनको गाली देने के लिए मन करेगा, जो जब आपको लगेगा उनको गाली दे तो उनका वो आपको काम दिखेगा, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया इसलिए आप उनको गाली दे रहे हो, तो उन्होंने बेहतरीन काम किया है इस फिल्म में। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस फिल्म में उनके जो कॉस्ट्यूम है वो ज्यादा नहीं कि एकदम ये रॉयल है तो इतना डालो वो डालो, एकदम सिंपल कॉस्ट्यूम है, सेट सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं तामझाम करने के लिए कि बड़ा दिखाओ, रॉयल पिक्चर है तो स्ट्रगल पिक्चर है तो बड़ा दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं किया है। सिर्फ इन्होंने एक्टिंग पे, डायरेक्शन पे और अपनी स्टोरी पे काम किया है, बाकी कुछ नहीं। इस फिल्म में आपको सिर्फ कुछ अच्छी दिखेगा वो सिर्फ स्टोरी दिखेगी। मैं जरूर बताऊंगा कि आप प्लीज ये फिल्म देखिए आपके दोस्त जनों के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। तो मैं इस फिल्म को देता हूँ 4 स्टार आउट ऑफ 5, क्योंकि इस फिल्म में थोड़ा सा ट्रैक जो है थोड़ा सा लेंदी होता है, इंटरवल के बाद थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैं थोड़ा सा बोलता हूँ कि, और अजय देवगन की सॉरी थोड़ी सी एक्टिंग की थोड़ी सी चाहिए थी मराठा लगने के लिए वो कम बड़ी, इसलिए मैं उसको 4 स्टार दूंगा। तो दोस्तों जरूर देखा ये फिल्म, और अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हर हर महादेव, जय शिवाजी, जय भगवान।